हेलो मित्रों, दोस्तों, आज क्रैकिट में आपका स्वागत है। पर्यावरण सीरीज़ हम चला रहे थे। पर्यावरण सीरीज़ में हमने एनवायरनमेंट के बारे में आपको बताया। उसकी आगे की सीरीज़ हमारी ये पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत ही आपका पारिस्थितिकी तंत्र आता है। एक पर्यावरण में कई प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। तो पहले देखते हैं पारिस्थितिकी क्या है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, एक तरफ लिखा है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी और एक तरफ लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखते हैं पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। पारिस्थितिकी का मतलब है जितने भी जीव जंतु हैं उनकी संरचना, आवास, अनुकूलन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें ना कि क्रिया का अध्ययन किया जाता है, इसमें सिर्फ उनका अध्ययन किया जाता है जो सारे जीव जंतु जो एक एनवायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, उनकी संरचना, आवास, अनुकूलन आदि का अध्ययन किया जाता है। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखते हैं कि संरचना, आवास, अनुकूलन आदि के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जितने भी जीव जंतु हैं जो एक एनवायरनमेंट पे या एनवायरनमेंट के तहत जितने भी जीव जंतु आते हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं, जब वह संरचना, आवास, अनुकूलन आदि के मध्य उनमें अंतःक्रिया होती है या एक दूसरे की निर्भरता आप शो करते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये एक बेसिक नॉलेज है आपका पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित दो ही अंतर है। पारिस्थितिकी एक स्टेबल प्रक्रिया है यानी कि ये स्थिर है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में क्या हो रहा है, एक क्रिया हो रही है। हम इसमें क्रिया का अध्ययन करेंगे और हम उसमें एक स्थिति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पारिस्थितिकी है और पारिस्थितिकी तंत्र है। अब हम आगे का चैप्टर देखते हैं। जैसे हमने पहले आपको बताया था कि आपका पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में अंतर होता है, इसी के तहत हम सबसे पहले पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं, हमने आपको पहले बता दिया कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी है क्या। अब देखते हैं पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति कब हुई और इसके घटक कौन कौन से हैं। तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम 1869 में अपनी पुस्तक जर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म में की थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। यानी कि 1869 में इनकी एक बुक छपी थी जिसको बोलते हैं जर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये कई बार एग्ज़ाम में भी पूछी गई है। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। ये जर्मन के जीव वैज्ञानिक थे और इसमें इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब हम देखते हैं कि इसके घटक कौन कौन से हैं। जिस प्रकार से हमने पर्यावरण में भी बताया था कि इसके पर्यावरण के घटक होते हैं, तो कई स्टूडेंट कन्फ्यूज भी हो सकते हैं कि सर इसमें भी घटक हैं, उसमें भी घटक हैं। देखिए, घटक सब में होता है। एनवायरनमेंट बिना घटकों या बिना तत्वों के मिले नहीं बनता है। तो आप देखेंगे पर्यावरण के तहत ही आपका पारिस्थितिकी आता है। आप देखते हैं एक पर्यावरण है हमारा, बहुत बड़ा पर्यावरण है। मान लीजिए एक जंगल का हम पर्यावरण लें, तो उस जंगल में एक तालाब भी होगा, झील भी होगे, वहाँ पर एक पहाड़ भी होगा, पेड़ भी होगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे कई सारे इकोसिस्टम हैं या पारिस्थितिकियाँ हैं वहाँ पर कई सारी। तो उनमें भी तो अंतःक्रिया हो रही है जैविक अजैविक घटकों की। तो इनको आप मिक्सअप मत करिए और कन्फ्यूजन में मत रहिए, ये चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन मूल दोनों का एक ही है। आप देखेंगे पर्यावरण आएगा, पर्यावरण के अंतर्गत आपके कई सारे पारिस्थितिकियाँ आती हैं। तो आप देखते हैं घटकों के बारे में, जो हमने पहले भी बताया था, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। घटक इसके दो होते हैं, हमने पहले भी बताया था, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को इंग्लिश में बायोटिक बोलते हैं, अजैविक को एबायोटिक बोलते हैं। जैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं। अब जैविक घटक या बायोटिक में आप देखते हैं जैसे जीव मंडल, जिसमें सारे जीव जंतु और वनस्पतियाँ आती हैं। अब जैव मंडल में आप देखते हैं सारे जीव जंतु और वनस्पतियाँ, इसमें सारे प्रकार के जीव जंतु होंगे, चाहे वो आपके जल में रहते हों, चाहे वो स्थल में रहते हों, चाहे वो हवा में उड़ते हों। इसमें सूक्ष्म जीव भी आएंगे जिसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। सारी प्रकार की वनस्पतियाँ आएंगी, चाहे वो जलीय वनस्पतियाँ हों, चाहे वो किसी जंगल की वनस्पति हो, किसी पहाड़ पे काई जमी हुई हो, या कहीं पर छोटी से लेकर बड़े पौधे तक, ये सारी वनस्पतियाँ इसके अंतर्गत आपके आएंगी। यानी कि जैव मंडल के अंतर्गत क्या आएंगे, सारे जीव जंतु और वनस्पतियाँ। अजैविक घटक एबायोटिक के अंतर्गत आपके आएंगे जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। ये तीन ही मंडल हैं जो आपके पर्यावरण को चला रहे हैं, ठीक है।
तो जलमंडल तो आप जानते हैं, जितना भी हमारे पृथ्वी पर जल है, चाहे वो ग्लेशियर का हो, चाहे वो समुद्र का हो, चाहे वो भूमिगत जल हो, चाहे वो सतही जल हो, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे वो झीलों का पानी हो, वो सारा आपके जलमंडल के अंतर्गत आएगा। फिर आपका आता है स्थलमंडल। स्थलमंडल में जहाँ पर हम खड़े हैं, ज़मीन है, वो स्थलमंडल है, ठीक है। इसी में आपके पर्वत पहाड़ भी आ जाएंगे, पठार भी आ जाएंगे, मैदान भी आ जाएंगे। फिर आपका आता है वायुमंडल। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कई प्रकार की गैसों की अंतःक्रिया होती है, उन सब के संयोग से आपका वायुमंडल बनता है, जिसमें आपका ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी गैस भी है, उसका भी इसमें हम वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों घटकों के संयोग से आपका पारिस्थितिकी बनता है, यानी कि आपका इकोलॉजी का निर्माण होता है। और जब ये लोग ये सारी चीज़ें अंतःक्रिया करने लगती हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भरता, डिपेंडेंसी शो करने लगती हैं, तो उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। देखो, दोनों में बारीक सा अंतर, बस इसको थोड़े खुले दिमाग से समझें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में, अब हम देखते हैं इसके प्रकार, इसके कितने प्रकार हैं। वैसे इसके काफ़ी सारे प्रकार हैं, जो मुख्य प्रकार हैं वो हैं स्वयं पारिस्थितिकी, जिसको ऑटियो इकोलॉजी बोलते हैं, और दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी, जिसे सिनिकोलॉजी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वयं पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि स्वयं पारिस्थितिकी है क्या, ऑर्टिकोलॉजी है क्या। जब एक व्यक्तिगत जीव, यानी कि सिर्फ एक जीव या कोई एक पौधा, जब हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके आसपास का एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के साथ तो उसके संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक वृक्ष ले लिया, सिंपल सा मान लीजिए हमने एक बरगद का पेड़ ले लिया, नीम का पेड़ ले लिया, उसके हम पारिस्थितिकी का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, या हमने कोई एक जीव ले लिया, जैसे आप डिस्कवरी या ज्योग्राफी पे देखते होंगे, कई सारे वैज्ञानिक होते हैं जो सिर्फ एक जीव का अध्ययन करते हैं, जैसे कोई लोग हाथी का अध्ययन करते हैं, कई लोग क्रोकोडाइल का या मगरमच्छ का अध्ययन करते हैं, कई लोग शेरों का अध्ययन करते हैं, कई लोग चीते का अध्ययन करते हैं, कई लोग हिरण का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार जीवों में, जैसे कोई एक वैज्ञानिक किसी एक जीव का अध्ययन करे, जैसे मान लीजिए कोई शेर का अध्ययन करे और उसका पर्यावरण से संयोग और अंतःक्रिया के बारे में पूरी जानकारी ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम स्वयं पारिस्थितिकी या ऑट इकोलॉजी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि इसमें व्यक्तिगत चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, किसी एक जीव के, किसी एक वनस्पति के व्यक्तिगत तत्वों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। अब दूसरा आता है आपका समुदाय पारिस्थितिकी या सिनिकोलॉजी। समुदाय पारिस्थितिकी में हम एक समुदाय या ग्रुप का अध्ययन करते हैं जो एक विशेष जाति समूह से संबंधित हो, चाहे वो जल में हो, चाहे वो स्थल में हो, उसका जब हम अध्ययन करेंगे, जैसे एक ग्रुप और जाति का हम समुदाय का अध्ययन करेंगे, उनके मध्य की अंतःक्रिया होगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे समुदाय पारिस्थितिकी। जैसे हम एक वनस्पति ग्रुप का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, या हम एक जीव संघ का अध्ययन कर रहे हैं, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तब हम किस प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं, समुदाय पारिस्थितिकी। तो ये एक मुख्य अंतर है पारिस्थितिकी में, इन दोनों में ये मुख्य अंतर है, और यही दोनों एक प्रकार भी हैं। इनमें आप अंतर शायद मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ रहे हैं, तो कुछ चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं, उसकी दोबारा एक क्लास बना दी जाएगी, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो स्वयं पारिस्थितिकी में एक व्यक्तिगत पौधे या जीव जंतु का अध्ययन करते हैं हम, और समुदाय पारिस्थितिकी में एक वनस्पति ग्रुप या वनस्पति एक ग्रुप और एक जीवों के ग्रुप का हम अध्ययन करते हैं। इन दोनों में ये बेसिक अंतर है, और आपका पारिस्थितिकी के यही दो मुख्य प्रकार भी हैं, इनको आप याद रखिएगा, जिसको कहते हैं स्वयं पारिस्थितिकी ऑर्टिकोलॉजी और समुदाय पारिस्थितिकी सिनिकोलॉजी।